हेलो फ्रेंड्स, आज हम मित्रता, ये पांचवी कक्षा का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। तो आपके भी स्कूल में आपके मित्र होंगे, आप भी बातें करते होंगे। तो जब हमारी तासिका चालू है तब बातें करना अच्छा नहीं लगता, मतलब नहीं करनी चाहिए। इस पाठ में जो ये चार जन हैं, ये चार अर्नाल्ड, तबस्सुम, क्षमा, विहंग, ये चार मतलब दो लड़कियां और दो लड़के खेल के मैदान में गए हैं और खेल के मैदान में बातचीत करते हैं। तो क्या बातचीत कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अर्नाल्ड बोल रहा है, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मतलब अपनी पहचान बता रहा है। नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ ऐसे कुछ नाम होते हैं, है ना, वैसे उस नगर में छतरी तालाब एक बड़ा सा तालाब होगा और उसके सामने वो रहता है। तो बोल रहा है, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, है ना। जैसे हम भी बोलते हैं ना, मैं भगवान मंदिर के पास रहता हूँ, वैसे। तबस्सुम, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। इसका घर तो तबस्सुम का पाठशाला के समीप है, निकट है। क्षमा, सुनो, मैं क्षमा हूँ और बाजार के पास रहती हूँ, है ना। विहंग बोल रहा है, नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, कोई भी अपना पता बताने के लिए कुछ तो लैंडमार्क, मतलब पहचान की जाए ऐसी कुछ तो मार्क, खून बोलते हैं मराठी में, तो वैसे ओळखीची खून बोलते हैं मराठी में, तो वो बतानी पड़ती है। तो वो बता रहे हैं, अर्नाल्ड बोल रहा है, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, तबस्सुम पाठशाला के समीप, क्षमा बाजार के पास और विहंग बस स्टैंड के पीछे। तो अर्नाल्ड बोलता है, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। तबस्सुम बोलती है, मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। तबस्सुम बोलती है, मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती हैं। बुआ जी क्या करती हैं, ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ तबस्सुम को सुनाती है। विहंग बोल रहा है, मेरे पिताजी वकील हैं, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं, मतलब न्यायालय में जो भी किस्से आते हैं, है ना, तो वो किस्से विहंग को सुनाते हैं। अर्नाल्ड, मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है, क्षमा बोल रही है, मेरी माताजी सरपंच है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। तबस्सुम बोली, हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊँगी। विहंग बोला, आज से हम सब अच्छे मित्र है। तो ये मित्रता पाठ एकदम सीधा सा और अच्छा पाठ है। आप भी अपनी मित्रता ऐसे किसी नए मित्र से बना सकते हो।
उसको अपना नाम बताकर, अपना पता बताकर, है ना। तो इस पाठ में उन्होंने अपना नाम पता तो बताया ही है, पर उनके घर में कौन कौन है और फिर वो क्या करते हैं ये भी बताया है। जैसे कि कोई वकील है तो न्यायालय के किस्से सुनाते हैं घर में, है ना। किसी के घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी भी रहती है तो बुआ जी ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती हैं। तो ये सब इस पाठ में बताया है। कौन बोल रहा है, मेरी माताजी सरपंच है, है ना। तो वो कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, नीचे तीन चित्र दिए गए हैं। अगर आप देखें तो पहले चित्र में वो जो विहंग बोला था मेरे पिताजी वकील है, तो वो वकील है। पहला चित्र वकील का है। दूसरे चित्र में क्षमा बोली थी मेरे माताजी सरपंच है, तो ये सरपंच गांव वालों को, शायद वो ग्राम सभा होगी और गांव वालों को संबोधन कर रही है। और तीसरे चित्र में अर्नाल्ड बोला था मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है, तो वो नर्स का भी चित्र दिया गया है। तो आज हमारा ये मित्रता, ये जो पाठ था, ये ख़त्म हो गया। कल हम इसी पाठ का स्वाध्याय करेंगे। ये पाठ आप अच्छे से दो बार शांति मन से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।